Hogy csaba egy kicsarat. Felmeleg így érdogja csak a egy Chennai. Chennai. NCSK. Now the joint winning is tied. Jadeja naam to suna hoga. ओए होए होए तोबा 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 यार क्या मैच हुआ है। यकीन माने मेरा तो भाई साहब जो है वो 5 kg जो है खून जो है खत्म हो गया है। गुजरात लगभग ये वाला मैच जीत चुकी हुई है। गुजरात जिसको कहते हैं ना, गुजरात ने मार्का हासिल कर ली है। बॉल के ऊपर चार चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स। जडेजा स्ट्राइक के ऊपर और शायद अपनी हिस्ट्री का ये बेस्ट आईपीएल हुआ है, क्योंकि जिस तरह के मैचेस हुए और जिस तरह का फाइनल हुआ क्या ही कहना है। सो ये आईपीएल जो है ये येलो कलर के लिए मशहूर रहेगा, ये एमएस धोनी के लिए मशहूर होगा। जडेजा ने आके जो है कमाल कर दिया यार। सीएसके हैज बिकम द आईपीएल 2023 चैंपियंस एंड दिस इज द फिफ्थ टाइटल, द इक्वल मुंबई इंडियंस 5 टाइटल्स। और क्या सीन है यार, ये एमएस धोनी यार आई सैल्यूट यू। हमेशा धोनी यार तू छा गया यार, कसम से बस सीरियसली छा गया भाई। और यार लव यू हो गया तेरे नाल यार पाजी, तेरी टीम यार बड़ी तगड़ी टीम है। आखिरी दो बॉलों में जो छक्का और जो चौका लगा क्या बात है। लेकिन क्या पता था कि आखिर के लिए जो बचा हुआ खेल है वो है रविंद्र जडेजा। सो सर जडेजा हैज फाइनली मेड एमएस धोनी प्राउड वंस अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2023 अब खत्म हो चुका है। आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से मात देकर 5वीं बार आईपीएल का टाइटल अपने नाम कर लिया है। बात करें अगर मैच की तो सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए। बारिश के कारण सीएसके को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 15 ओवर में 171 रनों का टारगेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य अपने नाम कर लिया। बताते चले कि यह मैच इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि मैच की आखिरी दो बॉलों में 10 रनों की जरूरत थी और चेन्नई की तरफ से खेल रहे रविंद्र जडेजा ने लास्ट दो बॉलों में 10 रन बनाकर एक बार फिर से चेन्नई को आईपीएल टाइटल जिता दिया है। धोनी की कैप्टेंसी, सीएसके की कंसिस्टेंसी और आईपीएल के इस रोमांच को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल का पूरी तरह से फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल 2023 का सीजन काफी शानदार रहा है और काफी इंटरेस्टिंग रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब तक लीग का आखिरी मैच नहीं हुआ था तब तक पता नहीं चला था कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ का हिस्सा होने वाली हैं। कुल मिलाकर आईपीएल 2023 काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2023 के इस फाइनल को लेकर क्या कहा है। ओह माय गॉड, एमएस धोनी देख नहीं रहे। एमएस धोनी स्टिल डिसअपॉइंटेड, जीत गए हैं वो, उनको यकीन ही नहीं आ रहा। सीएसके वन द आईपीएल 2023। अनबिलीवेबल 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 यार, जो मैच हम चाहते थे ना वैसा ही मिला। ओह होए वाह यार, जडेजा यू रॉक ब्रो। रविंद्र जडेजा ने वो कर दिखाया जो आज तक मैंने किसी जिसको कहते ना लीग के फाइनल में नहीं देखा। दो बॉलों के ऊपर 10, उससे पहले सिंगल नहीं ली, छक्का मारा चौका मारा, अनबिलीवेबल मैन अनबिलीवेबल। कहां से मैच को पुकारा है, Oh my God! कमाल कर दिया यार। CSK has become the IPL 2023 champions and this is the fifth title, the equal Mumbai Indians 5 titles wins. और MS धोनी, मैंने कहा था ना कि भाई MS धोनी जब कप्तान है तो कुछ भी हो सकता है और वही हुआ भाई। What a final यार, in the what a fantastic performance from CSK यार, क्या बात है यार। मतलब MS धोनी जैसा कप्तान जो है ना, आपको मतलब जनरेशन से कप्तान है यार, ये क्या बात है उसकी। आई मीन एट दिस एज 42 द स्टंपिंग दैट ही मतलब एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट शुभमन गिल, और उसके बाद पे जिस तरह से उसने कप्तानी की है, जिस तरह से मतलब उसकी टीम ने फाइट किया है, मतलब एक फाइनल में इतनी लंबी बारिश के बाद 15 ओवर में 170 चेस करना कोई आसान काम नहीं भाई। प्रेशर ऑफ चेसिंग 170 इन 15 ओवर इज टू मच फॉर एनी टीम, बट सीएसके हैव शोन दैट दे आर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीम अंडर एमएस धोनी। व्हाट अ कैप्टन यार, मतलब व्हाट अ लीडर, मतलब जिस तरह से अपनी टीम को उसने उठाया है और गुजरात को अहमदाबाद में, अर्जुन अब मेरे से 3 या 4 मैच खेले थे, सारे मैच आ रहे थे अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने, और उसी ग्राउंड पर आके मैच जीतना और वो भी फाइनल जीतना बहुत बड़ी चीज़ है यार। इट टेक्स अ लॉट ऑफ नर्व्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर एंड सेल्फ बिलीव एंड ऑल दीस थिंग्स यू कैन फाइंड इन दिस सीएसके टीम। यार क्या कमाल का मैच हुआ, और आखिरी दो बॉलों पे
10 स्कोर बना के जडेजा ने ये मैच जो जितवा दिया है। ओए होए यार, अनबिलीवेबल, जस्ट अनबिलीवेबल। पहले चार बालों पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई आखिरी ओवर की के जो मोहित शर्मा को छक्का भी खाने वाले हैं। इस तरह के लाजवाब यॉर्कर उन्होंने लगाए, लेकिन आखिरी दो बालों पे जडेजा ने पहले लगाया छक्का भाई साहब, यॉर्कर नहीं लग सका, और दूसरी बॉल पे चौका लगा के ये मैच, ये फाइनल जडेजा ने सीएसके की झोली में डाल दिया, और पांचवी बार जडेजा ने सीएसके को चैंपियन बना दिया है। यार क्या मैच हुआ है, और यकीन माने मेरा दिल अभी धक 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 कर रहा है, यकीन माने। और क्या सीन है यार, ये एमएस धोनी यार, आई सैल्यूट यू। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल जैसी और कोई भी लीग नहीं है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि फाइनल का यह मैच 28 तारीख को शेड्यूल किया गया था, लेकिन भारी बारिश के कारण इस मैच को रिजर्व डे पर कराया गया। हालांकि इस मैच में भी बारिश हुई, लेकिन मैच ऐसा हुआ कि पूरी तरह से पैसा वसूल हो गया। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 का यह फाइनल बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल की सफलता को देखकर एक बार फिर से रोने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि काश हमारे प्लेयर भी आईपीएल का पार्ट होते तो हम भी आईपीएल का मजा उठा सकते। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि दुनिया भर के तमाम देशों के प्लेयर आईपीएल का पार्ट होते हैं सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जब तक आईपीएल चलता रहता है तो हमारे प्लेयर पूरी तरह से फ्री होते हैं, क्योंकि उस दौरान कोई भी सीरीज नहीं होती है। यही रीजन है कि आईपीएल ना खेल पाने के कारण पाकिस्तानी प्लेयर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल की तारीफ की है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह साफ कर दिया है कि आईपीएल और पीएसएल का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। ना केवल पीएसएल बल्कि दुनिया भर की तमाम लीगें आईपीएल से बहुत ज्यादा पीछे हैं, और इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।